मैं आपको एक बार फिर से स्टार्टिंग से बता देती हूँ, ठीक है? जिसको कुछ अगर समझ नहीं आए तो आप लोग देख लीजिए। मनुष्य के लिए प्रातः काल की सैर जितनी सुखदायक व रोमांचकारी होती है, उतनी स्वास्थ्यवर्धक भी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रातःकालीन भ्रमण अत्यंत आवश्यक है। यह शरीर में नव चेतना स्फूर्ति का संचार करता है। ये फर्स्ट पैराग्राफ तो सभी बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है ना? मैम अपने आगे के वन मिनट, एक मिनट सुनो ध्यान से। सेकंड पैराग्राफ सुनिए पहले। प्रातःकालीन बाकी बच्चे मन्नत वासुदेव बेटा म्यूट कीजिए अपने आप को, आवाज आ रही है आपकी पीछे से, म्यूट करो अपने आप को। सेकंड पैराग्राफ सुनिए। प्रातःकालीन भ्रमण से मनुष्य अधिक मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ठीक है? सुनेंगे ध्यान से। प्रातःकालीन भ्रमण से मनुष्य अधिक मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करता है, इससे शरीर में उत्पन्न अनेक विकार दूर हो जाते हैं। लिखिए, इससे शरीर में उत्पन्न अनेक विकार दूर हो जाते हैं, साथ ही साथ शरीर की मांसपेशियां भी कार्यरत हो जाती हैं। लिख लिए सेकंड पैराग्राफ भी सभी बच्चों ने? नो मैम। डू हॉस्पिटल। प्रातःकालीन भ्रमण से मनुष्य में शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करता है, इससे शरीर पर अनेक विकार दूर हो जाते हैं, साथ ही साथ शरीर की मांसपेशियां भी कार्यरत हो जाती हैं। डन। अखिल शर्मा बेटा कैमरा ऑन कीजिए अपना। मतलब आप नहीं लिख रहे हो ना? जो बच्चे कैमरा ऑफ कर रहे हैं इसका मतलब वो नहीं लिख रहे हैं, तभी आपका कैमरा ऑफ है, क्योंकि जिन बच्चों का कैमरा ऑन है वो लिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है सारे बच्चे कौन कौन लिख रहा है। प्रिंस, तनवीर, अक्षित, सुजल। क्यों कैमरा ऑफ है बच्चे आपका? ऑन कीजिए। ओके, अब थर्ड पैराग्राफ देखिए। थर्ड पैराग्राफ है, सुबह के समय मैम बीच में आपने भी एक लाइन छोड़ी, मैम मैंने भी छोड़ दी सभी। हाँ ऐसे छोड़नी आपने जो पैराग्राफ है ना, इसीलिए मैंने आपको पैराग्राफ बोला ना कि आपने, मैं आपको स्टार्टिंग में तो बोला था कि जो जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ आपने ऐसे, ताकि सामने ठीक है। एक जब आपका एक पैराग्राफ खत्म हो जाता है तो आपने एक या दो लाइन छोड़ देनी, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है, ठीक है? अब थर्ड है, सुबह समय प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। आप लोग जब मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो आप लोग देखते हो सुबह का मौसम कितना अच्छा लगता है ना, तो उसमें है कि सुबह के समय जो प्रकृति की सुंदरता है वो देखते ही बनती है। फर्स्ट लाइन लिख ली सभी बच्चों ने? यस या नो? यस मैम। ओके, सेकंड लाइन लिखिए। उगते हुए सूर्य की लालिमा, उगते हुए सूरज की लालिमा समस्त अंधकार को मिटा देती है। उगते हुए सूरज की लालिमा समस्त अंधकार को मिटा देती है।
एक्सक्यूज मी मैम, क्या फोटो बच्चे आप? मैम आपकी, मैम आपकी क्लास लगी थी? हाँ जी बच्चे, लगी तो थी क्लास। मैम मेरी नहीं लगती यार। कौन सी क्लास नहीं लगती है आपके बच्चे? मैम मेरी इंग्लिश की लगती है और मैम बाकी नहीं लगती। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको तो अभी कैसे ज्वाइन हुई आप क्लास? मैम अभी आ गया ज्वाइन का ऑप्शन। बेटा तो मे भी सिग्नल का इशू हो गया होगा ना आपके वहां, इसलिए आप मतलब नहीं आपको होता ऐसा। क्लास तो आपकी डेली होती है? इंग्लिश की लगती है मेरी बस, कोई भी नहीं लगती है। फिर इंग्लिश की पीरियड आपका कौन सा पीरियड है? इंग्लिश का फर्स्ट सेकंड? मैम फर्स्ट। ओके, अगर कल ट्राई करके, आज कैसे ज्वाइन होगी तो फिर आप क्लास? मैम क्योंकि ये अगर आपकी एक क्लास लग रही है दूसरी क्लास नहीं लग रही है तो इसका मतलब कि कोई नेटवर्क इशू होगा आपका, मतलब हो सकता है ना बीच में, तब आपकी क्लास ज्वाइन नहीं होती है। अगर आपकी क्लास तो नहीं लगती तो कोई भी नहीं लगनी थी, तो मतलब पीछे से प्रॉब्लम हो सकती थी, कोई आपकी आईडी में चेक कर सकती थी। ठीक है, पर आप बोल रहे इंग्लिश की लगती है बाकी नहीं लगती है, तो कई बार ऐसा होता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो भी क्लास ज्वाइन नहीं होती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी ठीक है तो आप बताना, तब क्लास के बाद बताना ये चीजें। ठीक है, क्लास में डिस्कस नहीं करनी आपने, ये टाइम कुछ करवा रही हूँ, आप लोग अभी लिखिए। ठीक है, जो भी अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी बच्चे को तो आप क्लास के बाद ठीक है फोन करके बता सकते हैं। ठीक है, अभी थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे। सुबह के समय प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है, उगते हुए सूरज की लालिमा समस्त अंधकार को मिटा देती है। ये सेकंड लाइन भी लिख ली सभी बच्चों ने? यस या नो? कोई रिस्पांस नहीं है। मैम आई हैव डन फुल पेज, ऑल पेज। ओके, देखिए थर्ड लाइन अंधकार को मिटा देती है, यहाँ तक लिख लिया आप। थर्ड लाइन देखिए, कोयल का मधुर गान सभी के मन को मोह लेता है। कोयल का मधुर गान सबका मोह, सभी का मन मोह लेता है। कंप्लीटेड, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। नो, डन डन। Yes ma'am. No ma'am. Raise your hand. जिसका हो गया यहाँ तक complete के लिए hand raise. Excuse me ma'am. हाँ जी बच्चे। Excuse me ma'am. Ma'am मेरा done हो गया ma'am, तो मैं एक बार check कर लूँ उसे। मैं मेरा second, मैं मेरा second paragraph चला है। पारस इतना late क्यों, धीरे क्यों लिख रहे हो बच्चे आप? Do fast. बट आपने ये भी ध्यान रखना है ठीक है, लिखना जल्दी, स्पीड भी बढ़ानी है अपनी, साथ में अपनी राइटिंग भी इम्प्रूव करनी है। ठीक है, जिस तरीके से देखो बच्चे आप, तो मैंने शेप्स सिखाई हुई है, थर्ड क्लास में भी सिखाई थी, आप लोग थर्ड क्लास में मेरे पास ही थे, आपको शेप का पता है कि आप लोग कैसे लिखते हो। ठीक है, तो उसी शेप में आपने लिखना है। ओके, यहाँ तक हो गया, अभी नेक्स्ट पेज शेयर करूँ मैं आपके साथ? नो मैम, नो मैम।
बेटा तो जल्दी कीजिए, देखो 20 मिनट आपने इसी में कर दिए खत्म। पेपर में क्या करोगे, तो फिर आपको पेपर में तो आपको देखो 3 11 12 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं, और ये आपका एक क्वेश्चन भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ 20 मिनट में। यस बच्चे कंप्लीटेड, यस मैम, नो मैम, नो मैम। 1 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज मैम, मेरे मैम थोड़ा सा बचा है मैम, थर्ड लाइन मैम, थर्ड पैरा का। ओके लिखिए, डू फास्ट। सब बच्चा मैम प्लीज। सुबह के समय प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। सुबह के समय प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। उगते हुए सूरज की लालिमा, उगते हुए। मैम हमने ब्लू पेन से लिखना था। हाँ जी बच्चे, ब्लू इंक पेन से लिखोगे आप, ठीक है। उगते हुए सूरज की लालिमा समस्त अंधकार को दूर कर देती है। कोयल का मधुर गान सभी के मन को मोह लेता है। लिख लिया यहाँ तक? नो मैम। बेटा नो मैम, अभी भी नो मैम। यस मैम। अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। आगे समय प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। उगते हुए सूरज की लालिमा मस्त अंधकार को मिटा देती है। कोयल का मधुर गान सभी का मन मोह लेता है। नेक्स्ट देखिए, पार्क में व बगीचों में चहल पहल देखते ही बनती है। पार्क व बगीचों में, पार्क व बगीचों में चहल पहल देखते ही बनती है। बूढ़े, एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। मैम ये जो मैम सुबह के समय प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है मैम, ये जो था मैम, ये मैम थर्ड पैरा था मैम, और जो अभी आपने शेयर किया मैम, ये फोर्थ पैरा है। हाँ नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चे। हाँ, पार्क बगीचे में चहल पहल देखते ही बनती है। बच्चे बूढ़े तथा युवा वर्ग के लोग यहाँ दिखाई देते हैं। बच्चे बूढ़े तथा युवा सभी वर्ग के लोग यहाँ दिखाई देते हैं। प्रातः काल की शुद्ध व प्रातः काल प्रातः काल की शुद्ध व सुगंधित वायु प्रातःकाल की शुद्ध व सुगंधित वायु त
तथा विभिन्न प्रकार के खेल तथा विभिन्न प्रकार के खेल शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होते हैं। पार्क व बगीचों में चहल पहल देखते ही बनती है। बच्चे बूढ़े तथा युवा सभी वर्ग के लोग यहाँ दिखाई देते हैं। प्रातः काल की शुद्ध व सुगंधित वायु तथा विभिन्न प्रकार के खेल शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होते हैं। कर लिया ये पैराग्राफ सभी बच्चों ने कंप्लीट? नो मैम। यस मैम। एक बार फिर से रिपीट कर दूं। यस मैम। ओके। पार्क व बगीचों में चहल पहल देखते ही बनती है। पार्क व बगीचों में चहल पहल देखते ही बनती है। तथा बूढ़े युवा सभी वर्ग के लोग यहाँ दिखाई देते हैं। प्रातः काल की शुद्ध व सुगंधित वायु तथा विभिन्न प्रकार के खेल शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होते हैं। कर लिया बच्चे कंप्लीट यहाँ तक? नो मैम। कैमरा बेटा। ओके, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे लास्ट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रातःकालीन भ्रमण बच्चे व बूढ़े व युवा सभी के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब जरूरी, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कालीन भ्रमण बच्चे बूढ़े व युवा सभी वर्ग के लिए अनिवार्य है। यह हमारे शरीर में नई स्फूर्ति, नई चेतना व नया उल्लास प्रदान करता है। लिख लिए यहाँ तक बच्चे? मैं मेरे लास्ट पैराग्राफ के लिए। सुबह की शुद्ध व सुगंधित वायु शरीर के अनेक विकारों, ठीक है, सुबह की शुद्ध व सुगंधित वायु शरीर के अनेक विकारों को दूर करती है। विकार मतलब बीमारी वगैरह, ठीक है, जो भी रोग होते हैं उनको भी करती है, दूर करती है।
इसलिए मॉर्निंग वॉक जो है वो क्या है, जरूरी है। ठीक है, ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, लास्ट पैराग्राफ सुनेंगे ध्यान से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रातःकालीन भ्रमण बच्चे, बूढ़े, युवा वर्ग सभी के लिए अनिवार्य है। यह हमारे शरीर में नई स्फूर्ति, नई चेतना, वो नया उल्लास प्रदान करता है। सुबह की शुद्ध व सुगंधित वायु शरीर के अनेक विकारों को दूर करती है। लिख लिया बच्चे? तो मैम आपकी बात खत्म होने के लिए एक ही मिनट बचा है, जल्दी कीजिए सभी बच्चे, और आपने इसको अच्छे से लर्न भी करना है। ठीक है, इस निबंध को आप लोग सभी बच्चे लर्न करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने लर्न बुक है वो शेयर नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, और आपने लर्न भी करना है, कल मैं आपसे क्लास कॉपी में लिखा। ओके बच्चे, जिन्होंने फेयर में लिखा है ना वो तो ठीक है, वो आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, इसको और कल मैं आपको आपसे इस क्लास में इसको सुनूंगी। सभी बच्चों को बंद प्रातः काल की सैर फेयर टर्न कॉपी में है। ओके, सभी बच्चों को निबंध जो है ये प्रातः काल की सैर सभी को लर्न होनी चाहिए। ठीक है, हरी अप जल्दी कीजिए। मैम डन डन बेटा, ओके चेक कर लो, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई लाइन तो नहीं छूटी आपसे, चेक करेंगे ध्यान से। तन्वी धीमान म्यूट करो अपने आप को बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, ओके स्मिता डन बेटा, वेरी गुड। तीसरा पैराग्राफ बता दोगे? थर्ड पैराग्राफ बेटा। ओके कोई बात नहीं, जिन बच्चों का अगर कोई पैराग्राफ, ये स्क्रीन को कौन गंदा कर रहा है? तन्वी अगर आपका किसी बच्चे का छूट गया कोई पैराग्राफ, ठीक है मैं आपको ऐसा करूंगी कि आज नोटिस बोर्ड में इसमें सेंड कर दूंगी आपको। ठीक है, ये तो आप लोग वहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं देखकर। ठीक है, नोटिस बोर्ड में मैं आपको यही सेंड करूंगी आज। ठीक है, निबंध जो करवाया है मैंने आपको क्लास में, तो आप लोग वहां से कर लेना जिन बच्चों को अगर कोई बीच में छूट गया। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम जी। मैम आपने बेटा अगर अपनी कोई बात बोल रहा है तो उसको कंप्लीट करने दो अपनी बात को, अवंतिका को। अपनी वेट कर सकते हो ना, आप दो में वेट कर लो, अवंतिका कुछ बोल रही है। अगर आप इकट्ठे बोलोगे तो मुझे समझ तो नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हो। अवंतिका क्या बोल रहे हो बच्चे, आप बोलिए। मैम आपने मैम सुबह की शुद्ध मैम क्या लिखा है उसके, शुद्ध कौन सा पैराग्राफ में बोल रहे हैं आप? मैम लास्ट सुबह की शुद्ध सुगंधित वायु शरीर के अनेक विकारों को दूर करती है। सुबह की शुद्ध व सुगंधित वायु